दिव्यांशी, हिमांक, मानसी। गुड आफ्टरनून बेटा। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट टुडे डेट इज 15 सितंबर, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट ईवीएस। ओके, टुडे वी विल डू लेसन नंबर 7, क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नाउ ओपन पेज नंबर 37 इन योर बुक। आपकी बुक में पेज नंबर 37 ओपन करेंगे आप। यस, पेज नंबर 37 ओपन करो। सभी बच्चों ने ओपन कर लिया बुक को। उसमें क्वेश्चन नंबर सी है पेज नंबर 37 पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस? ओके बेटा, ओपन करो। यस यस, मानसी, हिमांक, दिव्यांशी, भुवनेश, अरिहंत, ओपन योर बुक बेटा। कैसे ओपन हो गई? स्टार्ट करें। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। हमारे वैसे लेसन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन लिखती हूँ मैं पहले। व्हाई डू वी नीड नेबरहुड? आप भी क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक मिनट। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पेज नंबर ओपन करिए ना, 37 दिखाई दे रहा है सबको। अब हम करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा है फर्स्ट, उसे ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू वी नीड नेबरहुड। क्वेश्चन आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कंप्लीट होने पर क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। व्हाई डू वी नीड नेबरहुड? हमें नेबरहुड की यानी कि पड़ोस की आपको क्या जरूरत क्यों होती है? अब क्यों होती है मैं आपको आंसर में समझा रही हूँ। आंसर, क्वेश्चन मैंने अलग कलर से लिखा है, आंसर अलग कलर से लिख रही। ओके, वी नीड, आपको रिपीट करना है, उनके साथ लिखना नहीं है आपको, फिर मैं क्लास ग्रुप में सेंड करूंगी, उसमें से देख के लिखना। वी नीड नेबरहुड नेबरहुड टू हेल्प ईच अदर टू शेयर थिंग्स कोमा टू शेयर ईच अदर्स जॉयज एंड सोरोज। फुल स्टॉप। क्वेश्चन क्या एक बार फिर से रीड कर लूं, फिर आंसर आपको समझाऊंगी। Why do we need neighborhood? हमें नेबरहुड यानी कि आपके पड़ोस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों है, क्यों हो सकता है? We need neighborhood to help each other. एक दूसरे की हेल्प करते हैं हम नेबरहुड पे। क्या करते हैं? पड़ोस में आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, तो देखते हैं टू शेयर थिंग्स ईच अदर, एक दूसरे से मतलब टू शेयर थिंग्स, एक दूसरे से चीज शेयर करते हैं। कोई भी किसी को कुछ इंपॉर्टेंट चीज एक दूसरे को चाहिए होती है, वो उससे ले सकता है, आप उसको दे सकते हो या आप उससे ले सकते हो। टू शेयर ईच अदर्स जॉयज एंड सोरोज, और एक दूसरे के दुख और सुख में हेल्प कर सकते हो, ठीक है ना? दुख और सुख, जॉयज में सुख, सुख और सोरोज में दुख, यानी कि किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुसीबत होती है, उसमें आप उसकी
हेल्प कर सकते हो, या कभी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ दुख होता है, तो वो आपको आपसे शेयर कर सकता है, ठीक है ना, कुछ हेल्प भी कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। वी नीड नेबरहुड टू हेल्प ईच अदर, टू शेयर थिंग्स, टू शेयर ईच अदर्स जॉयस एंड सोरोज। यस, आई विल रिपीट अगेन, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अब ध्यान से देखेंगे सभी, सुनेंगे, आज सुनना आप लोगों को, देखना है, ओके, और ध्यान से सुनना मैम क्या समझा रही है। वी नीड नेबरहुड टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प के लिए, टू शेयर थिंग्स, चीजें शेयर करने के लिए, टू शेयर ईच अदर जॉयज एंड सोरो, एक दूसरे के सुख दुख में हेल्प करने के, शेयर करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ओके। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, आप इसे ध्यान से देख लो, फिर हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, ओके। देख रहे हैं ना सभी बच्चे, क्वेश्चन मैंने ब्लू कलर से लिखा, आंसर आपका ब्लैक से है, ओके। इसको देखो एक मिनट, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलती हूँ, क्वेश्चन आंसर ही करेंगे आज हम। दिखाई दे रहा है सबको, सभी को दिखाई दे रहा है? यस बेटा, यस भूमि, वेरी गुड, सबको दिखाई दे रहा है ना? यस, मानसी फर्स्ट चीज को देखो जो करा रहे बेटा, एक बार फिर सेकंड पे चलते, ओके, गुड। रब कर दो इसको, सेकंड क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन टू पर चलते हैं, Where do we buy postcards, stamps and envelopes? Question number two. Where do we buy postcards? Stamps and envelopes. Question mark. ठीक है ना, क्वेश्चन पूरा होने पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, आंसर कंप्लीट होने पर फुल स्टॉप लगाना है। हाँ, अभी क्वेश्चन से जा रही, वेयर डू वी बाय पोस्टकार्ड, स्टैम्प्स एंड एनवेलप्स। हम पोस्टकार्ड, स्टैम्प्स और एनवेलप्स कहाँ से खरीदते हैं? ठीक है, कहाँ से खरीदते हैं बताओ एक बार, पोस्ट ऑफिस से। कहाँ से? पोस्ट ऑफिस से। आंसर लिखेंगे, यस मानसी आंसर दे चुकी है इसका, राइट, योर आंसर इज राइट मानसी। आंसर लिखेंगे, वी बाय पोस्ट कार्ड्स, स्टैम्प्स एंड एनवेलप्स From the post office. कहां से खरीदते हैं बेटा? Post office से। और full stop. We buy postcards, stamps and envelopes from the post office. कहां से खरीदते हैं? Stamps, postcards, envelopes कहां से खरीदते हैं हमें? पोस्ट ऑफिस से। कहां से खरीदते हैं? पोस्ट ऑफिस से।
आई विल रिपीट अगेन क्वेश्चन एंड आंसर बोथ. वेयर डू वी बाय पोस्टकार्ड्स स्टैंप्स एंड एनवेलप्स. वी बाय पोस्टकार्ड्स स्टैंप्स एंड एनवेलप्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. इसे रिपीट कर रही हूँ एक बार. वी बाय पोस्टकार्ड्स स्टैंप्स एंड एनवेलप्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. सभी को दिखाई दे रहा है ना ये क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहा है सबको. वेरी गुड. एक मिनट के लिए इसको भी देखो फिर सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे. देख लिया सभी बच्चों ने ये. अभी लिखना मत बेटा क्योंकि आप एकदम से लिख नहीं पाओगे इतना जल्दी. तो आपको जब क्लास ग्रुप में सेंड किया जाएगा तब उसमें से देखकर फिर नोटबुक में लिखना. ओके क्वेश्चन टू ओवर. सभी बच्चों ने लिख लिया. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर. How do firemen help us from fire? Third question. How do firemen help us from fire? क्वेश्चन मार्क है ना. क्वेश्चन मार्क. आंसर. हाउ डू फायरमैन हेल्प अस फ्रॉम फायर. फायरमैन कौन होते हैं जो आग बुझाने वाले गाड़ी के साथ आते हैं. आग बुझाने वाले आदमी बोलते हैं उनको. तो वो क्या फायरमैन आपकी कैसे हेल्प करता है उसका आंसर लिखेंगे अब हम. Firemen put off a off. ये O double F है. Off. Off means बुझाना. Put off means बुझाना. Put off the fire whenever fire break out any place. क्या करते हैं फायरमैन जब कहीं किसी जगह पर आग लग जाती है तो फायरमैन क्या करते हैं उस आग को बुझाने में हमारी या फिर कहीं पर भी जहां आग लगती है उसको बुझाने में हेल्प करते हैं. ठीक है ना. Firemen put off the fire whenever fire break out any place. Repeat karti fir ek baar. How do firemen help us from the fire? From fire. Firemen put off the fire whenever fire break out any place. जब कभी भी कहीं पर आग लग जाती है तो फायरमैन उस आग को बुझाते हैं. ओके यस. सभी आराम से देखो ध्यान से. कोई प्रॉब्लम नहीं है. जल्दबाजी में भी नहीं करेंगे. आराम से क्वेश्चन आंसर ही करने. एक एक चीज एक एक टॉपिक लेके चलते हैं तो इतना जल्दी नहीं करते हैं.
आपको ही समझ आना चाहिए। यस रिपीट करो एक बार और। हाउ डू फायरमैन हेल्प अस फ्रॉम फायर? फायरमैन पुट ऑफ द फायर, बैन आवर फायर, ब्रेक आउट एनी प्लेस। कर दे अब रवि इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हाउ डू डॉक्टर्स एंड नर्सेस हेल्प अस? हाउ डू डॉक्टर्स एंड नर्सेस हेल्प अस? क्वेश्चन मार्क। आंसर, डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट। डॉक्टर और नर्सिस क्या हेल्प करते हैं? तो डॉक्टर पहले एग्जामिन करता है पेशेंट को, उसको चेक करते हैं, एग्जामिन में चेक करते हैं, फिर उसको मेडिसिन देते हैं। और नर्स क्या करती है? पेशेंट की केयर करती है। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे? डॉक्टर एग्जामिन एग्जामिन मीन्स क्या होता है बेटा? चेक करना। द पेशेंट एंड गिव देम मेडिसिन। मेडिसिन, ये डॉक्टर का काम हो गया। पहले एग्जामिन करते हैं यानी कि चेक करते हैं, फिर पेशेंट को मेडिसिन देते हैं यानी कि दवाई देते हैं। अब नर्सेज के बारे में लिखे, नर्सेज लुक आफ्टर द पेशेंट। ठीक है ना? नर्स क्या करती है? उसकी पेशेंट की देखभाल करती है, केयर करती है। ओके, अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे। हाउ डू डॉक्टर्स एंड नर्सेस हेल्प अस? डॉक्टर्स एग्जामिन द पेशेंट। पेशेंट कौन होते हैं? बीमार लोग होते हैं ना, जो बीमार होता है उसको बोलते हैं पेशेंट। डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट एंड गिव देम मेडिसिन। डॉक्टर पहले पेशेंट को एग्जामिन करते हैं यानी कि चेक करते हैं और फिर उसे मेडिसिन देते हैं। नर्सेज लुक आफ्टर द पेशेंट, और फिर नर्सेज क्या करती है? पेशेंट की केयर करती है, ध्यान रखती है। ठीक है ना? उसको मेडिसिन देना, उसके बैंडेज वगैरह कुछ होता है उसको करना, है ना, सारी केयर उसकी करती है नर्सेज। उसे रिपीट कर रही हूँ, डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट एंड गिव देम मेडिसिन, नर्सेज लुक आफ्टर द पेशेंट। डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट एंड गिव देम मेडिसिन, नर्सेस लुक आफ्टर द पेशेंट्स। देखो इसको एक बार, बाद में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है, आप लोग आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी को दिखाई दे रहा है? सभी बच्चों को? अरिहंत, भूमि, हेमंत, मानसी, दिव्यांशी, सबको दिखाई दे रहा है बेटा? भुवनेश, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, इसमें मैसेज में लिख देना। ठीक है, ओके, वेरी गुड। देखो आप लोग,
कब कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। लास्ट क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई इज बैंक यूजफुल फॉर अस। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई इज अ बैंक यूजफुल फॉर अस। आंसर, बैंक कैसे, किस तरह से यूजफुल है हमारे लिए, बैंक में आप क्या क्या करते हैं, आप पैसे, बैंक में हम लोग पैसे रखते हैं, पैसे जमा करके रखते हैं, हमने पैसे रखते हैं और जो कीमती सामान होता है, वैल्यूएबल थिंग्स होती है उनको रखते हैं, है ना। और बैंक लोन लेने में भी हमारी हेल्प करता है, जिसको जरूरत होती है उस लोगों उनको लोगों को लोन भी देते हैं बैंक, ठीक है ना। तो आप क्या क्या चीजें कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे वी कीप मनी, वी कीप मनी एंड वैल्यूएबल थिंग्स इन बैंक एंड कैन टेक देम them out when we need, ठीक है ना। हम अपनी मनी और पैसे कीमती सामान बैंक में रखते हैं, लेकिन क्या लिखा है, एंड कैन टेक देम आउट व्हेन वी नीड, और जब हमें हमें जरूरत की नीड होती है, जरूरत होती है, तब हम उन्हें निकाल भी सकते हैं व्हेन वी नीड। एक पॉइंट और मैंने ऐड किया है, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स, प्रोवाइड्स लोन। बैंक क्या प्रोवाइड कराता है, लोन भी प्रोवाइड कराता है ना। लोन क्या होता है, अगर किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, उसको कुछ चीज बहुत बड़ी चीज या कोई घर खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, ठीक है ना, तो उसके पास एक साथ पैसे नहीं होते, तो बैंक उसको एक साथ इकट्ठे पैसे देता है, उसे कहते हैं लोन। लेकिन जो पैसे लेता है उसको फिर मंथली इनकम में से अपना जो एक ईएमआई कॉस्ट बनती है वो मंथली उसको काउंट करके, तो जितनी मनी उसने टोटल मनी ली होती है उसमें से थोड़ा थोड़ा मंथली मंथली उसे पे करना होता है। तो थोड़ा थोड़ा पे करके जब उसका कंप्लीट हो जाता है तो बैंक की पूरी लोन वापस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लोन। जब किसी को जरूरत होती है बहुत पैसों की, तो बैंक से वो पैसा इकट्ठा मिल जाता है, उसे लोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, लोन। लेकिन वो लौटाना भी होता है ना, तो लौटाते भी हैं, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं लोन। जब आपको जरूरत होती है तो आपको बैंक से लोन भी मिल जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ इसको, व्हाई इज अ बैंक यूजफुल फॉर अस। बैंक किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, वी कीप मनी एंड वैल्यूएबल थिंग्स इन बैंक। हम अपनी मनी और वैल्यूएबल यानी कि कीमती सामान जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है उसे बैंक में रखते हैं, एंड कैन टेक देम आउट व्हेन वी नीड, और उसे हम निकाल भी सकते हैं जब हमें उसकी जरूरत होती है, या पैसा हो या आपकी वैल्यूएबल थिंग्स हो, उसे हम निकाल भी सकते हैं जब हमको उसकी नीड होती है। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड लोन, बैंक लोन भी प्रोवाइड कराता है ना, बैंक से लोन भी मिलता है। ये आज के हमारे क्वेश्चन आंसर है, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी इनको, तो आप एक बार ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ सर, एक बार इसी को रिपीट कर देती हूँ। व्हाई इज अ बैंक यूजफुल फॉर अस, वी कीप मनी एंड वैल्यूएबल थिंग्स इन बैंक, एंड कैन टेक देम आउट व्हेन वी नीड। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन। अब एक बार मैं सारे क्वेश्चन आंसर रिपीट कर दू। क्वेश्चन नंबर वन,
सभी ध्यान से सुनेंगे और सुनना भी, अभी आपको सुनना ही, आप लिख नहीं सकते क्वेश्चन आंसर इतनी जल्दी जल्दी, तब ध्यान से सुनना। व्हाई डू वी नीड नेबरहुड? वी नीड नेबरहुड टू हेल्प ईच अदर, टू शेयर थिंग्स, टू शेयर ईच अदर्स जॉयज एंड सोरोज। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, वी नीड नेबरहुड टू हेल्प ईच अदर, टू शेयर थिंग्स, टू शेयर ईच अदर्स joys and sorrows. Question number 2. Where do we buy postcard stamps and envelopes? Postcard stamps, envelopes kahan se khareedte hain? We buy postcard stamps and envelopes from the post office. Postcard stamps and envelope hum post office se khareedte hain. Question number 3. How do firemen help us from fire? Firemen put off the fire whenever fire break out at any place. ठीक है ना, जब कहीं पर आग लग जाती है तो फायरमैन उस आग को बुझाने में हेल्प करता है, बुझाता है। Firemen put off the fire when fire break out at any place. क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाउ डू डॉक्टर्स एंड नर्सेस हेल्प अस? डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट्स एंड गिव देम मेडिसिन, नर्सेस लुक आफ्टर द पेशेंट। डॉक्टर और नर्सेस आपकी कैसे हेल्प करते हैं? डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट्स एंड गिव देम मेडिसिन। डॉक्टर पहले पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उनको चेक करते हैं, फिर उसे मेडिसिन देते हैं। नर्सेस लुक आफ्टर द पेशेंट और नर्स उसकी देखभाल करती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज अ बैंक यूजफुल फॉर अस? वी कीप मनी एंड वैल्यूएबल थिंग्स इन बैंक एंड कैन टेक देम आउट व्हेन वी नीड। बैंक आल्सो प्रोवाइड्स लोन। यहीं पे लिखा है, एक बार फिर से देख लो। वी कीप मनी एंड वैल्यूएबल थिंग्स इन बैंक एंड कैन टेक देम आउट when we need. Bank also provides loan. ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, एकदम नीट एंड क्लीन। इसको लिखने के बाद आपको फिलअप करने हैं। नेक्स्ट क्लास में एक बार ये मैं पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज कराऊंगी आपको, ताकि किसी भी बच्चे का अगर कोई भी चीज छूट गई है, रह गई है, तो वो भी कंप्लीट करें। और किसी भी काम में आपको जो भी काम हो चुका है उसमें पीछे नहीं रहना, आपको मैम के साथ साथ अपना काम अपडेट रखना है। ओके बेटा, ओके नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।